दोस्तों ज़रूर से फ़ोन में व्हाट्सअप यूज़ करते होंगे मैं आप सभी को इस वीडियो में व्हाट्सएप में चार खुफिया असगरा ट्रिक बताऊंगा इंपॉर्टेंट यूज़ पोल्ट्री के और उन ट्रिक के बारे में ज़रूर से आपको पता होना ही चाहिए व्हाट्सअप में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है जिनका सोल्यूशन आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगा और आखिर में जो नंबर तीन और चार ट्रिक बताऊंगा वी ट्रिक है नंबर तीन और चार ट्रिक को जरूर से देख जाना और उन ट्रिक को देखने के बाद जानने के बाद जरूर से वीडियो के कमेंट आकर ये कमेंट करोगे काश पहले इन ट्रिक के बारे में पता होता अगर आप जानना चाहते हो व्हाट्सएप के उन चार खुफिया सिगरेट ट्रिक के बारे में तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए और ये वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ ज़रूर से व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ पर भी हो सके शेयर करना ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और उन्हें कुछ नया सीखने को मिले हेलो नमस्ते मेरा नाम है सॉफी आप सभी का स्वागत है मेरे रूप चनाल टेक्निकल फास्ट पोस्ट पे चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है ज़रूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में देखिए छोटा सा बेल आइकॉन है बेल आइकॉन को बाकी ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके और उस वीडियो को सबसे पहले देख सको फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट कीजिए व्हाट्सएप न्यू ट्रिक्स ये छोटा सा कमेंट लिख कर जरूर से सेंड कर देना दोस्तों मैं आप सभी को इस वीडियो में व्हाट्सएप में चार सिगरेट ट्रिक बताऊंगा इंपॉर्टेंट यूजफुल ट्रिक है और उन ट्रिक के बारे में डेफिनेटली आपको पता होना ही चाहिए और आखिर में जो नंबर तीन और चार ट्रिक बताऊंगा वीआईपी ट्रिक होने वाला है और उन ट्रिक के बारे में बताने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक अकाउंट लिंक है ज़रूर से मुझे फेसबुक में फॉलो कर लेना फेसबुक में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक शेयर करता हूँ पहला ट्रिक यहाँ फॉर व्हाट्सअप देखिए लेफ्ट साइड में और व्हाट्सएप लेफ्ट से राइट साइड कर सकते हो और ये सेटिंग व्हाट्सएप में करने के लिए फ़ोन में सेटिंग ओपन कीजिए सेटिंग ओपन करने के बाद नीचे आइए और नीचे देखिए ऑप्शन अबाउट फोन अबाउट फोन सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है बिल्ड नंबर या फिर वर्जन के नाम से ऑप्शनों का कुल मिला के बिल्ड नंबर या फिर वर्जन के ऊपर सात बार ट्रच कीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात सात बार ट्रच करने के बाद फ़ोन में आपने जो भी पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक सेट किया होगा वो यहाँ पर एंटर करके कन्फर्म कीजिए और आपके फ़ोन में एक सेटिंग ओपन हो जाएगा डेवलपर ऑप्शन के नाम से और यहाँ से बैक कीजिए और सेटिंग में आइए और सेटिंग में देखिए ऑप्शन होगा एडिशनल सेटिंग एडिशनल सेटिंग के अंदर डेवलपर ऑप्शन होगा या फिर एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा कुल मिला के फोन के सेटिंग में डेवलपर ऑप्शन ढूंढ लीजिए डेवलपर ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ड्राइंग कैटेगरी आपको ढूंढना है नीचे आइए और नीचे आइए और यहाँ पर ड्राइंग कैटेगरी ढूंढ लीजिए तो यहाँ पर और नीचे आना है नीचे आइए और यहाँ पर देखिए ड्राइंग कैटेगरी और ड्राइंग कैटेगरी में देखिए ऑप्शन है फोर्स आर टी एल लेआउट डायरेक्शन यह ऑप्शन यहाँ से ऑन कीजिए फिर यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप ओपन करना है व्हाट्सएप ओपन करने के बाद फिर से व्हाट्सएप एक बार क्लोज कीजिए बैकग्राउंड से और फिर से व्हाट्सएप ओपन कीजिए फिर से आपको व्हाट्सएप बैकग्राउंड से क्लोज करना है एक दो बार आपको यह करना होगा फिर व्हाट्सएप ओपन कीजिए और यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप राइट साइड में आ चुका है और यह देखिए थ्री डॉट पे क्लिक किया और यहाँ पर यह देखिए ऑप्शंस इस तरीके से व्हाट्सएप में ये सेटिंग कर सकती हो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट कर सकती हो और यहाँ से आपको जो भी चैट करना हो आप कर लीजिए तो ये सेटिंग काफ़ी यूनिक है जब इस तरीके से व्हाट्सअप यूज़ करोगे और आपके दोस्त या फिर कोई भी देखेंगे वो चौंकने वाले हैं वो आपसे ज़रूर ये पूछेंगे आपने ये व्हाट्सएप में ये सेटिंग किया कैसे चल मुझे भी बता अगर आप फिर से व्हाट्सएप को लेफ्ट साइड में करना चाहते हो फिर से डेवलपर ऑप्शन में आइए और यहाँ पर फोर्स आर टी एल डेक्शन यह ऑप्शन आपको यहाँ से ऑफ कर देना है इसे ऑफ करने के बाद देखिए यहां पर फिर से व्हाट्सएप लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो इस तरीके से वो आपको फिर से बैकग्राउंड से एक दो बार हटाना होगा और ये देखिए व्हाट्सएप फिर से लेफ्ट साइड में आ चुका है तो ये था पहला ट्रिक अभी बढ़ते हैं सेकेंड ट्रिक दोस्तों तो व्हाट्सएप में जब भी आप किसी के पास मैसेज सेंड करती हो मैसेज लिखने के बाद यहाँ पर क्लिक करके मैसेज सेंड करती हो लेकिन व्हाट्सएप में कमाल का फीचर है जिससे आप व्हाट्सएप में यूज करके काफ़ी इजीली मैसेज सेंड कर सकते हो वैसे ये भी इजीली सेंड होता है लेकिन और एक कदम आप आगे मैसेज सेंड कर सकते हो यानी फास्ट मैसेज टाइपिंग करके सेंड कर सकते हो कैसे यहाँ से बैक करना ये थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए चैट्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए चैट सेटिंग्स में ऑप्शन है एंटर इज सेंड यह ऑप्शन यहाँ से ऑन कीजिए अभी यहाँ पर देखिए जो भी आपको मैसेज सेंड करना हो यहाँ पर मैसेज लिखिए और डायरेक्ट कीबोर्ड से मैसेज सेंड कर सकते हो नीचे आपको यह ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे ये मैसेज सेंड हो जाएगा तो इस तरीके से व्हाट्सएप में फास्ट मैसेज लिख कर सेंड कर सकते हो तो ये था सेकेंड ट्रिक अभी बढ़ते हैं नंबर तीन ट्रिक जैसा कि मैंने आपसे कहा था नंबर तीन और चार ट्रिक वी ट्रिक होने वाला है और ज़रूर से आपको नंबर तीन और चार्ट ट्रिक के बारे में पता होना ही चाहिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कर सकती हो अपने व्हाट्सएप में दोस्तों व्हाट्सएप के बैकग्राउंड में आप डिफरेंट स्टिकर्स लगा सकते हो डिफरेंट इफेक्ट एड कर सकते हो और ये करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना, कर करना, कर करना है और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट एप्लीकेशन लिंक है वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मेरे लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ताकि सही एप्लीकेशन डाउनलोड कर सको फिर नीचे देखिए ऑप्शन है लेट्स डू इट यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये सारे परमिशन अलाउ करना है और यहाँ से एप्लीकेशन का नाम ढूंढ लीजिए और ये परमिशन यहाँ से अलाउ कीजिए फिर यहाँ से बैक कीजिए और यहां से वेक कीजिए फिर नेक्स्ट कीजिए और यहां पर देखिए एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज यहां पर क्लिक कीजिए और यहां पर अप्प्लीकेशन का नाम ढूंढ कर ये परमिशन अलाउ कीजिए फिर यहां से वेक कीजिए गो टू फिनिश यहां पर क्लिक कीजिए आई गॉट इट यहां पर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए एक्ट्रिप ऐप यहां पर यह ऑप्शन पहले ऑप्शन पे यहाँ पर यह ट्रिक होना चाहिए ये करने के बाद यह ऑप्शन ऑन होना चाहिए फिर यहाँ पर नीचे आइए और नीचे आइए और यहां पर देखिए ऑप्शन है ओवरले आपको ओवरले यहाँ पर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर यह सेटिंग ऑन हो जाएगा फिर तो यह सेटिंग आइकन पे यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर बहुत सारे आपको इफेक्ट्स मिलेंगे और ये रिव्यू देखिए और यहाँ से जो भी इफेक्ट अच्छा लगे यहाँ से इफेक्ट सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा क्लिक करके आपको ये डाउनलोड करना होगा जैसे यहाँ पर ये इफेक्ट डाउनलोड हो रहा है तो कुछ सेकंड वेट करना होगा चलिए वेट कर लेते हैं और ये डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर एक बार क्लिक कीजिए और ये देखिए व्हाट्सअप के अंदर इस तरीके से एड हो जाएगा इफेक्ट मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर देखिए व्हाट्सअप ओपन किया और काफी यूनिक और डिफरेंट यहाँ पर लग रहा है जो कोई भी देखेंगे वो चौंकने वाले हैं यहाँ पर देख सकते हो व्हाट्सअप देखने में कैसे यूनिक और डिफरेंट लग रहा है तो बहुत सारे आपको यहाँ पर देखिए इफेक्ट्स मिलेंगे जो भी इफेक्ट अच्छा लगे यहाँ से इफेक्ट सेट कर सकते हो जैसे मैं यहाँ से ये वाला देखिए फ्रूट्स अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे सबसे पहले आपको यहाँ पर इफेक्ट्स डाउनलोड करने होंगे और ये डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद ही आप इसे अप्लाई कर सकती हो अपने व्हाट्सएप में तो यहाँ पर चले वेट कर लेते हैं जैसे ये डाउनलोड हो रहा है फिर इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए यह व्हाट्सएप में फ्रूट्स आ चुका है तो इस तरीके से अपने व्हाट्सअप में ये सेटिंग कर सकती हो और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट अप्लीकेशन लेंगे वहाँ से अप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे अगर आप चाहो इन ऑप्शन को भी यूज़ कर सकती हो दो सौ भी वर्ष नंबर चार ट्रिक और ये वी आई पी ट्रिक है एक फोन के अंदर दो फोन यूज़ कर सकते हो यानी दो व्हाट्सएप अकाउंट फेसबुक इंस्टाग्राम किसी भी एप्लीकेशन के दो अकाउंट बनाकर यूज़ कर पाओगे बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को फ़ोन में डाउनलोड किए जैसे पीसी में होता है यूज़र प्रोफाइल गेस्ट प्रोफाइल वैसे ही अपने फ़ोन में यूज़र प्रोफाइल और गेस्ट प्रोफाइल के नाम से दो प्रोफाइल बनाकर दो फ़ोन बनाकर यूज़ कर सकते हो मान लीजिए अगर आपके घर वाले आपके मम्मी पापा फ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर कोई भी आपसे आपका फ़ोन मांगते हैं ऐसे में हो सकता है वो आपके फ़ोन में व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करके आपके चैट को रीड कर लें और आपके फ़ोन में जो भी डेटा है उसे ट्रैक कर लें ऐसे में अपने फ़ोन को प्राइवेट मोड में यूज कर सकती हो दो फ़ोन बनाकर नोटिफिकेशन बार नीचे कीजिए और यहाँ पर नीचे देखिए यूज़र प्रोफाइल आइकन है यूजर प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ऑनर गेस्ट एड यूजर अगर आप चाहो यहाँ से और भी यूजर एड कर सकते हो और यहाँ से गेस्ट सिलेक्ट कीजिए स्विचिंग टू गेस्ट और आपको कुछ सेकंड वेट करना होगा जैसे यहाँ पर ये फोन स्विच हो रहा है येस कंटिन्यू कीजिए येस कंटिन्यू करने के बाद आपके फोन में और एक फोन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर देखिए और एक फोन यहाँ पर ओपन हो चुका है जब भी कोई आपसे आपका फ़ोन मांगे यहाँ पर गेस्ट मोड करके उसे फ़ोन दे दीजिए और यहाँ पर वो जो भी करेगा यहाँ पर ये प्राइवेट मोड में होगा और यहाँ पर वो गेस्ट मोड में उसे कुछ नहीं मिलेगा लेकिन और एक फ़ायदा है अगर आप यहाँ से प्ले स्टोर ओपन करोगे और एक नई ईमेल आईडी से यहाँ पर कनेक्ट करके और एक व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम या फिर कोई भी अप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल करके उसमें और एक अकाउंट एक बना सकते हो जैसे ही वो आपका फ़ोन आपको वापस कर दें फिर यहाँ से नोटिफिकेशन बार नीचे कीजिए और ये यूज़र प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से फिर से ऑनर के ऊपर क्लिक कीजिए और ये फिर से ऑनर मोड में आ जाएगा फिर से अपने फ़ोन में जो भी आपको यूज़ करना वो आप यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर देखिए फिर से ये वॉलपेपर चेंज हो गया और ये यहाँ पर ये फ़ोन भी चेंज हो चुका है यानी इंस्टेंट आप यहाँ पर फ़ोन में यूज़र प्रोफाइल और गेस्ट प्रोफाइल के नाम से दो प्रोफाइल बनाकर यूज़ कर, यूज कर सकते हो और दो अकाउंट भी बना पाओगे किसी भी अप्लीकेशन में और साथ ही साथ जब कोई भी आपसे आपका फ़ोन मांगे इंस्टेंट आप यहाँ से यूज़र प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ से प्रोफाइल चेंज करके उसे दे दीजिए बस आपके ऊपर ये डिपेंड करता है आप कौन से प्रोफाइल को यूज़ करना चाहते हो ऑनर प्रोफाइल या फिर गेस्ट प्रोफाइल में अपने प्राइवेट चैट कन्वर्सेशन प्राइवेट चीज़ें करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ से ऑनर या फिर गेस्ट जो भी आपको सिलेक्ट करना वो अपने लिए प्राइवेट मोड में रखिए और दूसरे प्रोफाइल को ओपन करके जिसको भी देना हो अपने फ़ोन को दे सकते हो तो मुझे उम्मीद है ज़रूर सबको ये चारों ट्रिक पसंद आए होंगे और एप्लीकेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है मेरे ही लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ताकि से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सको अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो पे लाइक करना शेयर करना आपका दिन शुभ हो जय हिंद